हमें टारगेट बनाना है कि कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम दुनिया से मंगवा रहे हैं लेकिन हम खुद काश्त कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बड़े मैदानों को कंसंट्रेट करें, हमारे पहाड़ी इलाके, हमारे रेगिस्तान भी मौजूद है जहाँ ऐसी ऐसी फसलें उगा सकते हैं कि जो दुनिया में, जो हमारे बाकी शहर पाकिस्तान में नहीं उग सकती। तो एक तो वो कम करें, करें क्या, जो दुनिया की ज़रूरत है, महंगी चीज़ें हैं, वो आप काश्त करके वो बाहर बेचें। अगर मेरे पास कोई ऐसी ज़िम्मेदारी आए कि मैं उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में एग्रीकल्चर में कर सकूं, तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि ज़िम्मेदार को बिज़नेस सिखाया जाए, ज़िम्मेदार को ये सिखाया जाए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फसल उगाना उसका काम नहीं, वो फसल को कैसे इसको एज ए बिज़नेस मॉडल के तौर पर ले के आए, ताकि ये दो चीज़ें हैं कि बड़ी सारी फसल में, बड़ी सारी ज़मीनों में, बहुत ज़्यादा ज़मीनों में काश्त करके उसको सस्ता बेचे, दूसरा ये है कि थोड़ी ज़मीन के अंदर चीज़ काश्त करके उसको वैल्यू एडेड करके महंगा बेचे। और बजाय ये कि भेड़ चार करने के अपनी जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें बेहतर अंदाज में करें और अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके और अपनी जो वैल्यू है उसकी प्रोडक्ट बढ़ा के करें। और इसके ऊपर जो लोगों की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बहुत सारे रिसर्चर ऐसे हैं जिन्होंने बेशुमार ज़बरदस्त किस्म का काम किया हुआ है लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंचा, वो हमने पहुँचाना है और लोगों की ट्रेनिंग करनी है, ताकि जो रिसर्चर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, इदारों के अंदर, वो आम ज़मींदार तक भी पहुँचे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें टारगेट बनाना है कि कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम दुनिया से मंगवा रहे हैं लेकिन हम खुद काश्त कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी इतनी है क्लाइमेट की कि हम उसको काश्त करें और उस वो हमारा इंपोर्ट बिल ख़त्म हो। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बड़े मैदानों को कंसंट्रेट करें, हमारे पहाड़ी इलाके, हमारे रेगिस्तान भी मौजूद है जहाँ ऐसी ऐसी फसलें उगा सकते हैं कि जो दुनिया में, जो हमारे बाकी शहर पाकिस्तान में नहीं उग सकती। तो एक तो वो कम करें। तीसरी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तानी पसंद ना करें खाने के लिए भी, या उसके लिए बहुत लंबा टाइम लग जाए, लेकिन उसके अंदर डिमांड मौजूद है। तो आप एक ऐसी फसल पाकिस्तान में बिला वजह काश्त करते रहें और उसको सस्ता और बेशुमार आपका एरिया उसके ऊपर एंगेज कर रखें और लोग उसको इतना सस्ता सा इस्तेमाल करें, उसकी बजाय मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चीज़ मुकामी तौर पे आपका जो 20-25% जो रकबा है पाकिस्तान का, वो एक ऐसी फसल में आप काश्त कर रहे हैं जो इंतहाई सस्ता लोकल लोगों की ज़रूरत के तहत वो आप लगा रहे हैं और वो बिक रहा है, उसकी बजाय आपको उससे आधी कीमत से बाहर से मिलता है, आप वो मंगवा लें। लेकिन करें क्या, जो दुनिया की ज़रूरत है, महंगी चीज़ें हैं, वो आप काश्त करके वो बाहर बेचें। तो आपकी जो मार्केट है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया मार्केट होनी चाहिए, वहाँ आप जो दुनिया की ज़रूरत है उसके मुताबिक चीज़ें उगाएं, वो वहाँ भेजें और अपनी ज़रूरत को आपका अल्टरनेटिवली मैनेज करें।